नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रो मैक्स इन 1B वर्सेस ओप्पो A12 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो इन 1B में 6.48 इंच जबकि A12 में 6.14 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि इन 1B से कम है। विड्थ की बात करें तो इन 1B में 2.98 इंच जबकि A12 में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो इन 1B में 0.35 इंच जबकि A12 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो इन 1B में 188 ग्राम जबकि A12 में 165 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो इन 1B में 20:9 जबकि A12 में 19:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो इन 1B में 6.52 इंचेस जबकि A12 में 6.22 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन इन 1B में 720x1600 और A12 में 720x1520 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इन 1B में 82.31% जबकि A12 में 81.63% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो इन 1B में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि A12 में 270 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो इन 1B में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और A12 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो इन 1B में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और A12 की बात करें तो उसमें 6 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो इन 1B में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और A12 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले बात करें CPU की तो दोनों फोन में सेम ही है। GPU दोनों फोन में सेम ही पावर GE8320 देखने को मिलता है। चिपसेट की बात करें तो इन 1B में MediaTek Helio G35 और A12 में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो इन 1B में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 2GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि A12 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो इन 1B में अप टू 128GB जबकि A12 में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इन 1B में एंड्रॉइड V10Q जबकि A12 में एंड्रॉइड V9.0 Pie देखने को मिलती है। बैटरी इन 1B में 5000mAh जबकि A12 में 4230mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो इन 1B में 3 कलर्स जबकि A12 में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो इन 1B में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 7499 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 7999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें A12 की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8490 रुपीस,
4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹9,750 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो माइक्रोमैक्स इन वन बी में 3 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें ओप्पो A12 की तो उसमें 3 फायदे और 4 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C21Y है, दूसरा Micromax N2B है, तीसरा Tecno Spark Go 2022 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Poco C3 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।